के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। अखिल भारतीय व्यास संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ आयोजन, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में आयोजित हुई 2 दिवसीय संगोष्ठी, उद्घाटन समारोह में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति हेतु निकाली पदयात्रा। और विश्व प्रसिद्ध रामनगर रामलीला के 5वें दिन धनुष यज्ञ का हुआ भव्य मंचन। और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा सेव हिंदूज मार्च आयोजित किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा कैंट रेलवे स्टेशन से भारत माता मंदिर तक बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति हेतु सेव हिंदूज मार्च आयोजित किया गया। कैंडल मार्च के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए भारत माता मंदिर पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याओं के साथ ही हिंदू लड़कियों को स्कूलों में जबरदस्ती अगवा कर उनके साथ दुराचार, धमका कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी मार्च उपद्रवियों द्वारा निकालकर हिंदुओं को डराया, धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। नौकरी पेशा हिंदुओं को त्यागपत्र देने या धर्म बदलने के लिए विवश किया जा रहा है। आतंकवादी संगठनों द्वारा पोषित कठपुतली सरकार की मंशा पर सवाल या निशान है, जबकि मानवाधिकार संगठनों का मौन अखर रहा है। यूनाइटेड नेशंस कोमा में चला गया है। जब विश्व के किसी कोने में किसी अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार होता है तो पूरा विश्व उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, परंतु बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो कोई भी देश उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। भारत सरकार से अपील है कि त्वरित कार्रवाई कर बांग्लादेशी पीड़ित हिंदुओं की जान माल और मंदिरों की रक्षा करें। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो दुराचार हो रहा है और लाखों लोगों की हत्या हो गई, बांग्लादेश में जहां 28% हिंदुओं की आबादी थी अब 8% हो गई, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये ठान लिया है कि विश्व मानवाधिकार आयोग से लेकर के जितने विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मिलेगा। आज हम लोग बांग्लादेश में मारे गए सभी हमारे जो हिंदू भाई थे, बहनें थी, उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, बहनों के साथ जिस तरह से रेप हो रहा है, वास्तव में देश भर के हिंदुओं को जागरूक करने के लिए आज हम लोगों ने उनकी याद में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। क्योंकि हमारा ये 4था प्रोग्राम है, मात्र 15 दिन के भीतर आसाम गुवाहाटी में भी था। और आपको ये भी बता दें, 30 सितंबर को कश्मीरी ब्राह्मणों की मांग को लेकर के हम लोग कश्मीर के लाल चौक पर भी हम अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक विशाल धरना देंगे। क्योंकि कश्मीरी पंडितों की जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ और उनको हटा दिया गया, तो जो बचे हैं उनको पुनः स्थापित किया जाए, इन सब मांग को लेकर के हम लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं 30 तारीख से। सिद्धपीठ पतालपुरी मठ में अखिल भारतीय व्यास संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय व्यास संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन सिद्धपीठ पतालपुरी मठ नरहरपुरा में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में धर्मांतरण, हिंदुओं की यात्राओं पर पथराव, वक्फ बोर्ड, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी, तिरुपति मंदिर के प्रसाद मिलावट, संतों को माफिया कहने आदि पर चर्चा की गई और सनातन धर्म के प्रसार और सनातन धर्म के खिलाफ शुरू हुए जिहादियों के अघोषित युद्ध को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसमें तमाम जरूरतमंदों को चिंतन होगा, जैसे कि अभी वर्तमान में तत्काल में कनमत बालाजी में जो घटना हुई है उस बिंदु को लेकर के होगी, और जो मठ मंदिरों को दूषित कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो अधिकृत के उन पर भी चर्चा होगी, और जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर भी चर्चाएं होंगी। तो इन कथाओं के माध्यम से ही व्यास लोग शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, सरकारें भी इन्हीं के उपदेशों से बनती बिगड़ती भी हैं। इसलिए आज पूरे भारत से लगभग हर प्रांत से यहाँ पर व्यास लोग पधारे हुए हैं और उसी पर आज चर्चा होगी। गायत्री शक्तिपीठ नगवा में रविवार को 2 दिवसीय मौन साधना एवं व्यक्तित्व परिष्कार प्रशिक्षण के दूसरे दिन योग ध्यान यज्ञ का आयोजन हुआ। रविवार को गायत्री शक्तिपीठ नगवा वाराणसी के देव प्रांगण में चल रहे 2 दिवसीय मौन साधना एवं व्यक्तित्व परिष्कार प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिविरार्थियों ने योग ध्यान यज्ञ के साथ दूसरे दिन का शुभारंभ किया। युग ऋषि के संदेशवाहक, प्रखर वक्ता, सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं युवाओं के मार्गदर्शक विद्याधर मिश्र ने शिविरार्थियों द्वारा लिए गए मौन व्रत से उत्पन्न ऊर्जा के अनुभव को प्राप्त किया। मार्गदर्शक एवं प्रशिक्षक विद्याधर मिश्र ने कहा कि आज की सामाजिक परिस्थितियाँ युवाओं को सही मार्गदर्शन के स्थान पर दिग्भ्रमित वातावरण उत्पन्न कर रही हैं।
युवा सही एवं गलत के बीच मार्ग को चुनने में स्वयं को असहाय सा महसूस कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण आत्मबोध, आत्मविश्वास एवं दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। मौन साधना एवं व्यक्तित्व परिष्कार प्रशिक्षण के माध्यम से शिविरार्थियों द्वारा 36 घंटे के मौन साधना, आत्मविवेचना एवं आत्मसुधार एवं परिष्कार के साथ आत्मबल की ऊर्जा को जगाया। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के 21वीं सदी के उज्ज्वल भविष्य के सपने को साकार करने का एकमात्र रास्ता संयम युवा, स्वावलंबी युवा, अनुशासित युवा, राष्ट्रभक्त युवा, आत्मबल से परिपूर्ण एवं जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण युवा ही है। आगे उन्होंने कहा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट एवं डरावनी क्यों न हो, आप अपनी आत्मा, ऊर्जा के प्रकाश, अनुशासन एवं आत्मबल के द्वारा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना ही आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। समापन सत्र अयोध्या प्रसाद जी के ओजस्वी संगीत से हुआ। प्रशिक्षण की व्यवस्था ब्रिजेश पटेल एवं ओमेश्वर शेपट ने किया। समापन सत्र पर सहायक प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर विंध्याचल सिंह, जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय, डॉक्टर गौतम लांबा, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर अरुण दुबे, डॉक्टर अरुष देशभूप, डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय ने शिविरार्थियों को समाज के भटके, हतोत्साहित एवं लक्ष्य से भटके युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी से अवगत कराया। गायत्री शक्तिपीठ नगवा के प्रबंध तंत्र से जुड़े रमाकांत पाठक, हरिवंश यादव एवं नीलम गुप्ता का सक्रिय योगदान रहा। शिविरार्थियों में प्रमुख रूप से कुमारी शांभवी सहाय, प्रियमदा, श्रेया, दिव्या, कोमल, प्रीति, विभा, क्षितिज, अवधेश कुमार, शरद, आदर्श, गौरव सहित 25 शिविरार्थियों ने भाग लिया। हाँ, वो मेरा ही था जो डेढ़ साल से सेक्शन मिले ढूंढ रहे थे, बहुत सारे वर्कशॉप किए, बहुत कुछ सब व्यर्थ था। आज दो दिन, मात्र दो दिन का मौन साधना मुझे वो सेक्शन दे दिया। और सच बताया तो हम कभी नहीं सोचते थे कि हम गुरुदेव से बस रिगर के बोलते थे कि सेक्शन कब मिलेगा, कब मिलेगा। और भाव पर हम नहीं सोचे थे डेढ़ साल से जो काम लिया वो दो दिन में कैसे हो सकता है। गुरुदेव केवल गुरुदेव नहीं है, वो पिता है, उसे केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन मानते थे। और वो हमको इतना कुछ सिखा गए, इतना सारा आशीर्वाद दे गए, नहीं सोचते कि इतने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा वो भी बिना कुछ किए, कभी नहीं सोचते थे। और मेरी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देते कि कुछ रोक टोक नहीं किसी चीज के लिए, कुछ नहीं, क्या मानने की सहमति थी, बहुत बहुत धन्यवाद। दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ द्वारा दशाश्वमेध प्लाजा भवन से गोदौलिया चौराहे तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अनु कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारियों सदस्यों ने दशाश्वमेध प्लाजा भवन से गोदौलिया चौराहे तक सड़कों की साफ सफाई की तथा रैली के माध्यम से स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाकर जनमानस को जागरूक किया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष अनु कुमार गुप्ता ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत दशाश्वमेध पटरी संघ के हम सभी पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा प्लाजा भवन से गोदौलिया चौराहे तक झाड़ू लेकर सड़कों एवं गलियों की साफ सफाई की गई तथा रैली निकालकर लोगों को अपने आसपास स्वच्छ रखने की शपथ दिलाकर स्वच्छता के प्रति क्षेत्रीय जनमानस को जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संघ के अध्यक्ष अनु कुमार गुप्ता, धर्मराज गुप्ता, लक्ष्मण केशरी, संरक्षक मंडल, संजय सिंह, शीला देवी, नेहा शर्मा, मुन्नी देवी, कुंती देवी, सरस्वती देवी, रेखा देवी, छोटू झा, प्रेमचंद पांडे, मनोज गुप्ता, संतोष शुक्ला, जग्गू यादव, मनोज यादव, अर्चना चंदवानी, रतन सेठ, बच्चा सेठ सहित सैकड़ों पटरी संघ के लोग उपस्थित थे। अब ये इस अभियान से अपील करना चाहेंगे कि अब हम साफ सफाई हम भी रखेंगे, आप भी साफ सफाई रखें, ये मुहिम चलाया जा रहा है। देखा जाए प्रधानमंत्री जी का सदरी क्षेत्र लगातार अभियान चलाया जा रहा है, रोडों पे गंदगी लोग फैलाते हैं दुकानदारों के द्वारा, तो आप लोग उनको किस तरह का अपील करेंगे? मैं अपने पट्टी व्यवसाय संघ की ओर से सभी दुकानदारों और पट्टी वालों को यह सूचना देना चाहूंगा कि अपना कूड़ा अपने कूड़ेदान में फेंके और रोडों में न फेंके, खुद भी करे और औरों को भी समझाए। नवनिर्मित सामने घाट पर रविवार को नमामि गंगे ने स्वच्छता अभियान चलाया। काशी के ऐतिहासिक विरासतों एवं विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए नवनिर्मित सामने घाट पर रविवार को नमामि गंगे ने स्वच्छता की अलग जगाई। पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं और उत्तरवाहिनी गंगा के खूबसूरत नज़ारे से परिपूर्ण गंगा तट की सफाई की गई। सामने घाट पर तर्पण कर रहे लोगों को गंदगी से निजात दिलाई गई। सामने घाट पर तैयार हो रहे रिवर फ्रंट पर उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता का संकल्प दिलाकर माँ गंगा की आरती उतारी गई। स्वच्छता को स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि हर दिन काशी में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए वाराणसी में नए नए पर्यटन स्थान और सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, जिसमें सामने घाट में तैयार हो रहा है यह रिवर फ्रंट भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि काशी की विरासत और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण सभी पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता सबसे बड़ी आवश्यकता है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, विकास तिवारी, प्रमुख समाजसेवी गोविंद केजरीवाल, अनूप पोद्दार, अनुज डिडवानिया सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माय कैंपस। माय क्लासरूम। माय लाइब्रेरी। My lab, my computer lab, this is our playground, this is our college and we create our future over here। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित गोष्ठी में गाय के गोबर और गोमूत्र की अनंत उपयोगिता के बारे में बताते हुए एकांगी सोच से बचने की नसीहत दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कुछ किसान सोचते हैं हम खुद के उपयोग के लिए जो फसल लगाएंगे उसमें रासायनिक खाद बीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मंडी में बेचने वाली फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे एकांगी सोच भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। जब पूरा वातावरण दूषित होगा तो सिर्फ एक परिवार कैसे बच सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि गाय के गोबर और गोमूत्र की अनंत उपयोगिता है। इन गव्यों का कृषि भूमि में उपयोग न केवल विष रहित रसायन मुक्त पौष्टिक अन्न की उपलब्धता बढ़ाएगा बल्कि रासायनिक खाद कीटनाशकों तथा जैव परिवर्तित व्यापार करने वाली कंपनियों की अप्रत्यक्ष आर्थिक गुलामी को दूर कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा कि गाय के दूध में स्वर्ण भस्म पाया जाता है इसलिए इसमें हल्का पीलापन रहता है। इस पर रिसर्च भी हो चुका है। आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एसएन संखवार ने स्वागत किया। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, प्रोफेसर के एन मूर्ति, गो विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र नागपुर के समन्वयक सुनील मानसिंह का, आरएसएस के गोसेवा प्रमुख अजीत महापात्र, पूर्व सांसद मेघराज जैन मौजूद रहे। पद्धति आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्य की विस्तृत जानकारी मुझे श्री सुनील मानसिंह का जी ने दी है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल से उत्पन्न व्याधियों, यहाँ तक कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों तक में पंचगव्य औषधियों का चमत्कारिक प्रभाव पाया है। इस प्रकार के परिणाम हमें गो विज्ञान की महत्ता का परिचय तो देते ही हैं, साथ ही साथ पंचगव्य चिकित्सा पद्धति को वैश्विक स्तर तक ले जाने की भी प्रेरणा दे रहे हैं। पंचगव्य चिकित्सा पद्धति को वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए हमें अपनी धार्मिक श्रद्धा और भक्ति भावना से आगे बढ़ते हुए आधुनिक जगत में प्रचलित वैज्ञानिक शैली एवं भाषा का प्रयोग करते हुए भारतीय संस्कृति के इस प्राचीन चिकित्सा ज्ञान को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नव प्रवेशी छात्राओं के लिए आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में सत्र 2024-25 की नव प्रवेशी छात्राओं के 5 दिवसीय दीक्षा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के 4th दिन मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर के अग्रवाल, वाणिज्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के अग्रवाल, महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पता पांडे तथा प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शर्मा ने मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पता पांडे ने मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य वक्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि रोजगार उतना जरूरी नहीं है जितना रोजगार पाने की योग्यता जरूरी है। उन्होंने सफलता के 3 मूल मंत्र समय, कौशल तथा उचित माहौल को बताया। मुख्य वक्ता ने कहा कि वास्तविक बनिए, दिखावटी नहीं, तथा अपने अंदर छुपे हुए कौशल को पहचानने के लिए कहा। उन्होंने जीवन में उपयोगी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा तथा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के कौशल को सीखने के लिए भी आवश्यक बताया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पता पांडे ने भी नव प्रवेशी छात्राओं का मार्गदर्शन किया। प्राचार्य प्रोफेसर आर्यन शर्मा ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन वैशाली पांडे ने किया।
दीक्षा कार्यक्रम से पूर्व महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा विश्व शांति दिवस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में पोस्टर बनाया गया तथा भाषण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, प्रतिभा गुप्ता, अंजलि विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रतिमा राय, लवकेश तिवारी, ऋचा शुक्ला आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित थीं। साइकोलॉजी की भाषा है इससे वो एग्जिट वही शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन कहने का आशय यही था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट माने आपके पॉजिटिव क्या है आपके अंदर, नेगेटिव क्या है, रियलिस्टिक होकर अपने बारे में सोचना, जैसे कोई दूसरा आपके बारे में बता रहा है इस तरह अपने बारे में जानना। तो आप खुद जान जाओ, अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हो तो सी आपके लिए बहुत टफ होगा, तो मैथमेटिक्स में भी आपका बहुत अच्छा बेस नहीं है उसको यदि आप बहुत अच्छी तरह से ले नहीं पाते हो तो वहाँ नहीं बहुत अच्छा हो पाएगा। तो हमको खुद देखना पड़ेगा कि अपनी कैपेबिलिटीज क्या है, हमारी कहाँ जा सकते हैं। रामनगर के रामलीला में पांचवें दिन प्रभु राम और माता सीता के स्वयंवर का मंचन धनुष यज्ञ के साथ मंचित हुआ। रामनगर की रामलीला के पांचवें दिन राजा जनक के आमंत्रण पर सीता के स्वयंवर में पहुंचे भगवान राम ने जैसे ही शिव धनुष को तोड़ा तीनों लोक भयंकर ध्वनि से गूंज उठे। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहून लखा देख सब उठाणे ते ही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अर्थात लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फूर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा, उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के पांचवें दिन राजा जनक के आमंत्रण पर सीता के स्वयंवर में पहुंचे भगवान राम ने जैसे ही शिव धनुष को तोड़ा तीनों लोक भयंकर ध्वनि से गुंजायमान उठे। तोपों की गर्जना से पूरा रामनगर गूंज उठा, लेकिन इस बार तोप मिस फायर होने से आवाज़ नहीं हो सकी। धनुष टूटते ही लीला प्रेमियों ने सजल नेत्रों से दृश्य को देख राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष किया। इस दौरान धनुष यज्ञ व परशुराम लक्ष्मण संवाद लीला का मंचन किया गया। प्रसंगानुसार सीता स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मांग श्री राम व लक्ष्मण रंगभूमि में रखे शिव के धनुष के पास पहुंचे। हर लीला प्रेमी की सांसें थमी थी, ऐसा लगा मानो वक्त ठहर गया हो। लीला प्रेमियों की आंखें एकटक रंगभूमि में रखे शिव धनुष पर टिकी थीं। शिव धनुष को तोड़ने के लिए अनेक राजा यहाँ तक कि लंकाधिपति रावण भी जनकपुर पहुंचा, सभी असफल हो वापस लौट गए। लोगों ने इन राजाओं की खिल्लियाँ भी उड़ाई। गुरु की आज्ञा के बाद श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया और उसे अपने हाथों से उठा लिया। जनकपुर का लीला प्रांगण भगवान राम के जय के उद्घोष से गूंज उठा। जैसे ही प्रभु श्री राम ने धनुष की पतंजा खींची, प्रवेश द्वार की बुर्जी पर खड़े मशालची ने 36वीं वाहिनी पीएससी परिसर में तोप पर लगे तोपची को मशाल का इशारा किया। शिव धनुष टूटने के साथ ही तोप को दागा गया। दूसरी ओर शिव धनुष तीन खंडों में विभक्त हो गया। श्वेत लाल महताबी की रोशनी में धनुष का एक टूटा भाग अपने हाथों में लिए श्री राम की झांकी का दर्शन कर रामलीला का एक एक श्रद्धालु भाव विभोर हो गया। धनुष टूटते ही पीएससी कैंपस में गोले दागे गए। शिव के धनुष टूटने की गर्जना सुनकर रंगभूमि में पधारे परशुराम व लक्ष्मण के मध्य हुए संवादों का भी लीला प्रेमियों ने आनंद उठाया। लक्ष्मण की बातों ने परशुराम का धम्भ तोड़ दिया। अंततः प्रभु श्री राम की विनम्रता से प्रभावित हो आशीर्वाद देकर परशुराम चले गए। इधर भगवान सूर्य के रथ के घोड़ों ने धनुष टूटने की गर्जना सुन दक्षिणायन की ओर जा रही अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण की ओर कर लिया। सूर्य को उत्तरायण जाते ही राम सीता विवाह के मंगल कार्य शुरू हुए। सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। आकाश में देवगणों ने पुष्प वर्षा कर अलौकिक क्षण का आनंद उठाया। विश्वामित्र की सलाह पर राजा जनक ने महाराज दशरथ को सूचना देने के लिए अपने दूतों को भेजा। जनकपुर में चारों ओर खुशियां छा जाती हैं। राजा जनक पूरे राज्य को सजाने का निर्देश दे मंडप सजाने को कहते हैं। यही लीला को विश्राम दिया जाता है। नागरी प्रचारणी सभा में नादेश्वरी संगीत अकादमी द्वारा आयोजित दो दिवसीय लयोत्सव के प्रथम निशा में तबले की थापों की अनुगूंज झंकृत हुई। शनिवार को नादेश्वरी संगीत अकादमी वाराणसी की तरफ से आयोजित दो दिवसीय लयोत्सव की पहली निशा में विशेषगंज स्थित नागरी प्रचारणी सभा के सभागार में संगीत की सविता का प्रवाह हुआ। तालवाद को समर्पित इस अनूठी संगीत महफिल से पूरे सभा का प्रांगण गुंजायमान उठा। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी पंडित पूरन महाराज जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन हुआ तथा माता सरस्वती की आराधना के पश्चात कार्यक्रम का आगाज हुआ। प्रथम कार्यक्रम के रूप में प्रख्यात तबला वादक पंडित नंद किशोर मिश्र ने अपने वादन से अपनी तालांजलि प्रस्तुत की। इनके साथ हारमोनियम पर संगत आनंद किशोर मिश्रा ने बखूबी किया। द्वितीय प्रस्तुति में विख्यात कलाकार पंडित दीपक सहाय जी का तबला वादन हुआ। इन्होंने पारंपरिक रचनाओं से अपने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। इनके साथ सारंगी पर धू सहाय तथा हारमोनियम पर मोहित सहनी ने कुशल संगत किया।
कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में वरिष्ठ तबला वादक पंडित किशन राम डोहरकर का स्वतंत्र तबला वादन हुआ। इनके साथ हारमोनियम संगत पर मोहित सहनी थे। कार्यक्रम में संध्या काल से देर रात्रि तक चले पारंपरिक वादन के अंतर्गत उठान आमद पाठ गत फर्द आदि रचनाओं का भंडार सुन सभी श्रोतागण उत्साहित नजर आए। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आईपीएल की तर्ज पर वाराणसी में उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। आईपीएल की तर्ज पर वाराणसी में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों से खिलाड़ियों को चुना जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण अंचल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रीमियर लीग में उत्तर प्रदेश की 8 टीमें भाग लेंगी। प्रीमियर लीग के माध्यम से खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इसमें वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को नेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। प्रीमियर लीग में 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है एवं 4 खिलाड़ियों को पूरे 1 साल तक खेल स्कॉलरशिप दिया जाएगा। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन वाराणसी में किया जाना है। संस्था के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र गुप्ता ने बताया कि विगत 11 वर्षों से पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। इस संस्था के 13 राज्यों में संगठन कार्य कर रही है। इसी क्रम में अपने सामाजिक कार्य का विस्तार कर रही है। यहाँ के खेल प्रेमियों के योगदान से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार आईपीएल के तर्ज पर फुटबॉल टूर्नामेंट का ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती पर खेल इतिहास में तीसरी बार आईपीएल के तर्ज पर इन खिलाड़ियों की आर्थिक मदद हेतु नीलामी एवं बोली लगाकर टीम का गठन फ्रेंचाइजीज द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 14 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से गोरखपुर मंडल में ट्रायल के साथ उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में अलग अलग दिनों को ट्रायल किया जाएगा। इसके उपरांत 5 जनवरी 2025 को वाराणसी में किसी प्रतिष्ठित संस्थान पर नीलामी के अंतर्गत कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों का गठन किया जाएगा। आयोजन का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड नाइट ओपनिंग समारोह 18 जनवरी 2025 को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें समाज के प्रति समर्पित व्यापारी वर्ग के साथ सीनियर खिलाड़ी बॉलीवुड कलाकार एवं हजारों दर्शकों की उपस्थिति होनी है। प्रतियोगिता का मुख्य टूर्नामेंट 19 से 26 जनवरी 2025 तक वाराणसी में सुनिश्चित किया गया है। फाइनल प्रतियोगिता के उपरांत समापन समारोह में इस प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सर्वप्रथम ट्रायल के माध्यम से अधिकतम संख्या में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इसके उपरांत ट्रायल में चुने गए खिलाड़ियों का फ्रेंचाइजी द्वारा नीलामी के माध्यम से टीमों का गठन किया जाएगा। उसके बाद यह सभी टीमें अपने अपने फ्रेंचाइजीज का प्रतिनिधित्व करेंगी। नीलामी द्वारा प्राप्त संपूर्ण धनराशि आर्थिक सहयोग के क्रम में खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। कि जो हमारा ट्रायल हो, कोई भी टैलेंटेड खिलाड़ी ट्रायल से छूटे ना कि मैं इस ट्रायल में भाग नहीं ले सका। इसका ट्रायल 18 मंडल में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ट्रायल हर मंडल में होंगे। डेट सारी चीज़ बढ़ गई बता दी जाएंगे आपको। उसके बाद ट्रायल जब हर मंडल में स्टार्ट होने के फाइनल जो लिस्ट निकलेंगे उसका जो फाइनल ट्रायल होगा वो बनारस में होगा। जो नीलामी प्रक्रिया होगी वो बनारस में किए जाएंगे। जो इसका ओपनिंग नाइट ओपनिंग सेरेमनी ओपनिंग और समापन होगा वो बनारस में किया जाएगा। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उन 4 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा 1 साल तक। उससे बड़ी बात कि अगर वो फुटबॉल खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलता है तो उसको रिन्यूअल किया जाएगा। और उससे अच्छी बात मैं बताऊं कि आपको 5 लाख रुपए का प्राइज रखा गया है, जिसमें बेस्ट खिलाड़ी जो होगा गोल वो उसको स्कूटी दिया जाएगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
लाइव सच के साथ।